मेरे पीछे ये हरियाली देख रहे हैं आप, ये खेत, ये पेड़, सनसेट, कितना सुंदर नजारा लग रहा है ना। ठीक आपके घर के सामने ये नजारा रहने वाला है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइसिटी प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त एंकर तरन्नुम, एंड आज मैं आपको लेकर आई हूं न्यू चंडीगढ़ में इन द प्रोजेक्ट ऑल्टर्स फेज 2। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये है आपका PR7 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड, जो अगर इसमें अगर आप सीधे चले जाएंगे आगे जाके ये आपके PR4 रोड को कनेक्ट कर लेता है, जिसमें आप अगर सीधा चले जाएंगे आगे जाके आप मध्य मार्ग एक्सटेंशन रोड को भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप जाके PR4 से राइट चले जाते हैं, आप चंडीगढ़ को जा सकते हैं। लेफ्ट चले जाते हैं तो आप सिस्मावदी हिमाचल की तरफ या फिर कुराली की तरफ को जा सकते हैं। मल्टीपल कनेक्टिविटीज हैं इसमें। अगर आप सीधे चले जाते हैं तो ये आगे जाके आपके मोहाली को कनेक्ट करता है, जहाँ से आप अगर राइट लेते हैं तो आप अगेन कुराली की तरफ को हिमाचल की तरफ एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट लेते हैं चंडीगढ़ साइड को जा सकते हैं, और अगर आप सीधे चले जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंड फर्दर आपको पटियाला हाईवे की, दिल्ली अम्बाला हाईवे की कनेक्टिविटी मिल जाती है। तो काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। इसी रोड के ऊपर लोकेटेड रहने वाला है आज का हमारा प्रोजेक्ट ऑल्टर्स फेज 2, जिसमें आपको डिफरेंट प्लॉट साइज अवेलेबल रहने वाले हैं। सो गाइज, जैसे कि आपने हमारे चैनल पे पहले भी ऑल्टर्स की वीडियो देखी होगी, पर वो ऑल्टर्स फेज 1 की वीडियो थी, जिसमें आपको डिफरेंट प्लॉट्स की ऑप्शंस मिल जाती थी। आपका काफ़ी डेवलप्ड एरिया है वो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आपको उसमें मिल रही हैं, जैसे कि राउंड अबाउट्स हो गए, आपके वाइड रोड्स हो गए, आपके पार्क्स हो गए, आपके किड्स प्ले एरिया हो गए, मतलब डिफरेंट चीज़ें आपके लिए उसमें बनाई गई हैं। तो वो सेम डेवलपमेंट रहने वाली है आपके ऑल्टर्स फेज 2 में, जहाँ पे अगेन आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे। एंड मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि ये आपका जो है वो थोड़ा सा लो डेंसिटी एरिया रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको बड़े प्लॉट साइज भी मिल रहे हैं, तो आप उनमें भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस, बात करते हैं प्लॉट साइजेस की। तो यहाँ पे आपको 250 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट्स अवेलेबल रहेंगे, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक घर आपका वहाँ पे बन चुका है। मतलब इस एरिया में, इस सोसाइटी के अंदर ऑल्टर्स फेज 2 में बहुत सारे लोग जो है वो अपना घर बना के रहना शुरू भी कर चुके हैं, एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे घर बना भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स ऑलरेडी बाय कर चुके हैं यहाँ पे। और मैंने डेवलपमेंट की बात करी थी, तो आप ये रोड देखिए, कुछ इस तरीके के वाइड रोड आपके अंदर रहने वाले हैं, राउंड अबाउट्स पूरे प्रोजेक्ट के अंदर बने हुए हैं, ताकि आपको ट्रैफिक वगैरह का कोई इशू ना हो। पार्क की बात करूंगी तो इस साइड आपका पार्क आ जाएगा, मतलब बिल्कुल प्लान्ड आपका ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। रोड आपके बिल्कुल प्लान्ड आपको मिल जाएंगे, आप जैसे देख रहे हैं रोड आपके पूरे बन चुके हैं, एंड सेंटर में ये जो स्पेस है आपका, ये आपका सारा प्लॉट्स के लिए स्पेस आ जाएगा, जिसमें आपके डिफरेंट साइज के प्लॉट्स आ जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको कि 250 गज से शुरू होके 500 गज तक के प्लॉट्स आपको मिल जाएंगे। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो आपका एरिया है, ये आपका लो डेंसिटी एरिया आ जाएगा, जैसे कि मैंने मेंशन किया आपको 250 गज से लेकर 500 गज तक के प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं, तो सारे बड़े साइज़ के प्लॉट्स हैं। काफ़ी पॉश आपका ये एरिया होने वाला है, क्योंकि सारे बड़े साइज़ के प्लॉट्स हैं, तो कम लोग रहेंगे। लो डेंसिटी एरिया जैसे कि मैंने मेंशन किया, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं घर बहुत ही सुंदर वहाँ पे बन चुका है। अगर इसका हम आइडिया लगाएं तो ये आपका 400 स्क्वायर यार्ड बना हुआ घर है, जो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। और रोड के साइड की भी अगर मैं बात करूँ, आइए आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप मेरे पीछे यहाँ पे देख ही सकते हैं, पहले तो आपका ग्रीनरी पूरा मेंटेन है, तो पूरा अच्छा ग्रीन वाइब आपके पूरे प्रोजेक्ट में रहने वाला है। दूसरा, स्ट्रीट लाइट्स आपका प्रॉपर यहाँ पे बन चुका है, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, तो मतलब पूरा डेवलपमेंट स्टेज पे आपका ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। अगर आप भी प्लॉट सर्च कर रहे हैं न्यू चंडीगढ़ जैसे प्लेस पे, जो कि ग्रीनरी के लिए जाना जाता है, पीसफुलनेस के लिए जाना जाता है, तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है ये आपके लिए।
तो जैसे कि मैंने मेंशन किया था कि बहुत सारे लोग यहाँ पे घर अपना बना चुके हैं, तो जैसे कि आप मेरे पीछे घर देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल घर बनाया है यहाँ पे किसी ने प्लॉट बाय करके, क्योंकि तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये आपका जो इसका जो प्लॉट साइज आ जाएगा ये आपका 300 square yard का आ जाएगा, जिसमें ये आपका ट्रिपल स्टोरी विला बनाया गया है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको प्लॉट्स के ऑप्शन दिखाए न्यू चंडीगढ़ जैसे एरिया में जो कि अपनी डेवलपमेंटल स्टेज पे है। बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में यहाँ पे आपको घर मिल जाते हैं, प्लॉट्स मिल जाते हैं, एंड बहुत ही पीसफुल जैसे लोकेशन है। आजकल के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जिनको शहरों से हट के थोड़ी जगह पे रहना पसंद होता है, तो न्यू चंडीगढ़ उन्हीं लोगों के लिए एक स्पेस है जो कि बहुत ही ग्रीन स्पेस है, पीसफुल स्पेस है। तो अगर आप भी यहाँ पे प्लॉट सर्च कर रहे हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, ऑल्टस फेस 2 जो आज मैंने आपको दिखाया है। डिफरेंट प्लॉट साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, डिफरेंट बजट रेंज में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।